इस लेक्चर में हम मैकेनिक्स का एक यूज़फुल प्रॉब्लम करेंगे। ये प्रॉब्लम मैंने सेलेक्ट किया है क्योंकि इसमें थोड़े से कॉन्सेप्ट्स हैं। ये एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है, एक मास m1 स्प्रिंग पे हमने रखा है। ध्यान रखिए, प्रॉब्लम में दिया हुआ है दिस मास इज केप्ट ऑन द स्प्रिंग, इट इज़ नॉट अटैच्ड टू द स्प्रिंग। ये मास स्प्रिंग से बंधा हुआ नहीं है और उसके ऊपर मास m2 रखा है और ये इनिशियल पोजिशन है। सडनली हम मास m2 को हटा लेते हैं, हमें पता लगाना है मास m1 का मैक्सिमम वेलोसिटी कितना होगा। तो ऐसे प्रॉब्लम में, फिजिक्स के प्रॉब्लम्स में आपको करने के लिए ध्यान रखिए, पहले तो हमेशा आप वो डायग्राम बनाइए जो प्रॉब्लम में दिया हुआ है। प्रॉब्लम में डायग्राम नहीं दिया है और सिर्फ लिखा है तो भी बनाइए, डायग्राम आपको खुद बनाना ही है। इससे आपको धीरे धीरे रियलाइज होगा कितना इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमारा ब्रेन का नेटवर्क इट स्टार्ट्स वर्किंग द मोमेंट यू स्टार्ट ड्राइंग द डायग्राम। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि स्प्रिंग की प्रॉब्लम्स में स्टेजेस में कीजिए, और ऐसा कुछ दिया हुआ है तो सबसे पहले आप अनकंप्रेस्ड स्प्रिंग को बना लीजिए, ऐसे उसी रेफरेंस पॉइंट से। ये स्प्रिंग की ओरिजिनल लेंथ है L0, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिए ऐसे, ये आपका रेफरेंस हो गया अनकंप्रेस्ड लेंथ से। और एक लाइन हमेशा यहाँ खींचिए जो आपको इनिशियल पोजीशन दिया है। ये लाइन आपको यूज़ करनी है ग्रेविटी के लिए, ग्रेविटी पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस, और ये लाइन है अनस्ट्रेस्ड स्प्रिंग का रेफरेंस। स्प्रिंग की जो एनर्जी है हमेशा इस रेफरेंस से निकालनी है और ग्रेविटेशनल एनर्जी हमेशा इस रेफरेंस से निकालनी है। ये आप ध्यान रखिए, स्प्रिंग की एनर्जी आप कभी इधर से मत निकालिए, क्योंकि स्प्रिंग की एनर्जी होती है फ्री लेंथ से, और ग्रेविटेशनल एनर्जी निकालते हैं किसी भी रेफरेंस से। हम ये भी ले सकते थे पर ये वाला लेना बेटर रहेगा, जो हमारा इनिशियल पोजिशन है उसको आप जीरो लीजिए। अब वो इनिशियल कंप्रेशन कितना है, ये कितना है जो इनिशियल पोजीशन में है। सपोज ये ए है, ये इनिशियल पोजीशन हमें इक्विलिब्रियम में दी हुई है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। तो m1 प्लस m2 जी की वैल्यू होगी के ए, सो ए की वैल्यू हुई m1 प्लस m2 जी अपॉन के। ये आपका इनिशियल कंप्रेशन है। अब जैसे ही हमने मास m2 हटाया, एज सून एज वी रिमूव द मास m2, द होल सिस्टम, ये पूरा सिस्टम ऊपर जाना शुरू होगा। और सपोज हम कोई एक पोजीशन लेते हैं जो इससे एक्स है, ऊपर से एक्स है, ये मास m1 है और यहाँ पे अभी स्प्रिंग है। और सपोज इस पोजीशन में एक वेलोसिटी वी है और यहीं पे वेलोसिटी हम मानते हैं मैक्सिमम है। मैं आपको बाद में बताऊंगा, एक स्टैंडर्ड आपको याद रखना है कि मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ होती है स्प्रिंग मास सिस्टम में। मैक्सिमम वेलोसिटी होती है हमेशा इक्विलिब्रियम पोजीशन से जब मास पास करता है, वहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी होती है। हम निकाल के दिखाते हैं इसको, ये हो गया ए माइनस एक्स। अब आप एनर्जी इक्वेशन लिख लीजिए, इनिशियल एनर्जी जो है हाफ एम वी स्क्वायर जीरो है, काइनेटिक एनर्जी जीरो है, यहाँ पे रेस्ट पे था, पोटेंशियल एनर्जी जीरो है क्योंकि ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, और स्प्रिंग एनर्जी है हाफ के ए स्क्वायर। यहाँ पे एनर्जी कितनी हुई इस पॉइंट पे, सपोज ये पॉइंट टू है, सो एनर्जी एट पॉइंट टू ये है। एक तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी हुई एम वन जी ए माइनस एक्स, प्लस स्प्रिंग की एनर्जी हुई, हमेशा मैंने कहा है स्प्रिंग की एनर्जी आप फ्री लेंथ से निकालिए, तो स्प्रिंग का कंप्रेशन अभी कितना है सिर्फ एक्स है, सो हाफ के एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी होगी, वेलोसिटी भी है, सो हाफ एम वन वी स्क्वायर। इनको आप इक्वेट कर दीजिए तो आपका हाफ एम वन वी स्क्वायर आया हाफ के ए स्क्वायर माइनस एम वन जी ए माइनस एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर बाय टू, ये इक्वेशन आया। आपका वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगा,
ये आपका कांस्टेंट है, ये इनिशियल कंडीशन दी हुई है कि यहाँ पे था, तो ये कांस्टेंट है, ए हम वेरी नहीं कर रहे हैं इस प्रॉब्लम के लिए, ए कांस्टेंट है। तो ये मैक्सिमम जब होगा आपका, जब ये मिनिमम होगा, क्योंकि इसमें से माइनस हो रहा है। तो जेड की वैल्यू लिख लीजिए, एम वन जी ए माइनस एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर अपॉन टू। इसको डिफरेंशिएट कीजिए, ये आएगा डी जेड अपॉन डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में किया आया माइनस एम वन जी प्लस के एक्स, इसको जीरो रखिए, तो एक्स की वैल्यू हुई एम वन जी अपॉन के। इस पोजीशन पे आप, अगर आप डबल डबल डिफरेंशिएट किए करेंगे तो ये पता चलेगा कि इस पे इसकी वैल्यू मिनिमम है और इसकी वैल्यू मैक्सिमम आएगी। ये मिनिमा है इसका, इसका ये मिनिमा है, सो इसका मैक्सिमा है। तो इस पे आपकी वेलोसिटी मैक्सिमम आ रही है, और जैसा मैंने कहा था, ये क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है। ध्यान दीजिए, इस पोजीशन पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगा रहा है वो है एम वन जी, और स्प्रिंग जो ऊपर फोर्स लगा रहा है वो है के एक्स। सो के एक्स इक्वल टू एम वन जी होगा जब ये इक्विलिब्रियम में है, मतलब दोनों फोर्स, ग्रेविटी का फोर्स और स्प्रिंग का फोर्स जब बराबर होगा तो इक्विलिब्रियम होगा। सो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है एक्स इक्वल टू एम वन जी अपॉन के, ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है, और यही आया है यहाँ पे। सो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है हमेशा जब वो स्प्रिंग मास और जो मास है अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट को जब क्रॉस करेगा। इस मास के लिए ये इक्विलिब्रियम है। ध्यान रखिए, जब हमने मास एम टू भी रखा हुआ था उसके लिए ये इक्विलिब्रियम पोजीशन था, इस कॉम्बिनेशन के लिए, लेकिन इसके लिए ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। यहाँ से कंप्रेशन जो है ये होगा एम वन जी अपॉन के, और ये था एम वन प्लस एम टू जी अपॉन के। तो इस पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी मैक्सिमम आ रही है। तो अब इसको हम निकाल भी लेते हैं, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी आएगी। आप वैल्यू रख दीजिए एक्स की, सो हाफ एम वन वी स्क्वायर इज इक्वल टू के ए स्क्वायर अपॉन टू माइनस एम वन जी ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन टू। आप टू से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, और ये ब्रैकेट हमने हटा दिया था ट्वाइस, तो ये हुआ के ए माइनस एक्स, ए प्लस एक्स माइनस ट्वाइस एम वन जी ए माइनस एक्स इज इक्वल टू एम वन वी स्क्वायर। सो वी स्क्वायर इज के ए माइनस एक्स, आप कॉमन ले लीजिए, के ए प्लस एक्स माइनस ट्वाइस एम वन जी अपॉन एम वन, अंडर वी की वैल्यू निकालनी है तो स्क्वायर रूट ले लेते हैं। अब इसमें आप वैल्यूज पुट कर दीजिए तो आप मैक्सिमम वेलोसिटी मिल जाएगी। हम वैल्यू पुट करके भी देख लेते हैं, ए की वैल्यू कितनी थी, ये थी, एक्स की वैल्यू कितनी है एम वन जी अपॉन के। तो ए प्लस एक्स कितना हुआ, ट्वाइस एम वन प्लस एम टू जी अपॉन के, ये तो हुआ ए प्लस एक्स, और दूसरा है ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स की वैल्यू हुई एम टू जी अपॉन के। यहाँ आप रख दीजिए, ये आया एम टू जी अपॉन के, नीचे एम वन आया, और यहाँ पे आया के ए प्लस एक्स की वैल्यू कितनी है, के टाइम्स ए प्लस एक्स की वैल्यू है ट्वाइस एम वन प्लस एम टू इंटू जी, और ये है माइनस ट्वाइस एम वन जी, ट्वाइस एम वन जी कैंसिल हो गया, तो ये आया आपका एम टू जी रहा यहाँ पे सिर्फ, ये आया आपका एम टू जी का अंडर रूट। तो ये आंसर हुआ आपका एम टू जी अपॉन के एम वन का अंडर रूट, ये है आपका मैक्सिमम वेलोसिटी। अब अगर हमें पता लगाना है कि मैक्सिमम हाइट कितनी अटेन करेगा मास एम वन, तो मैक्सिमम हाइट के केस में हमें करना होगा, ये चीज इम्पॉर्टेंट है ध्यान रखनी, कि मैक्सिमम हाइट आपको
मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए तो फर्क नहीं पड़ता कि आपका मास उससे अटैच था कि नहीं था, क्योंकि मैक्सिमम वेलोसिटी आपकी इस पॉइंट पे होती है जो कि फ्री लेंथ से पहले है। जब मास ऊपर जा रहा है यहाँ कहीं मैक्सिमम वेलोसिटी आ गई। जब मास अटैच नहीं है तो स्प्रिंग सिर्फ यहीं तक जाएगा। अगर मास अटैच नहीं है तो ऐसी पोजीशन आएगी, ऊपर जा रहा है स्प्रिंग, या तो यहाँ जाके और एक्सटेंड नहीं होगा क्योंकि स्प्रिंग से मास बंधा हुआ नहीं है, स्प्रिंग का कोई मास नहीं है, तो स्प्रिंग क्यों ऊपर जाएगा? स्प्रिंग तो रुक गया, मास आपका ऊपर जाता रहेगा। सपोज मास आप से आपका यहाँ पे चला गया एच, तो ये तो पोजीशन हुआ जब स्प्रिंग से मास अटैच नहीं है। अगर स्प्रिंग से मास अटैच होता तो स्प्रिंग भी साथ में ऊपर जाता, स्प्रिंग में एक्सटेंशन होता। यहाँ पे स्प्रिंग में कोई एक्सटेंशन नहीं है, यहाँ पे स्प्रिंग में एक एक्सटेंशन है जो कि एच डैश के बराबर है। ये दो अलग अलग सिचुएशन है। प्रॉब्लम में अगर दिया है मास अटैच नहीं है तो ऐसे करना है, मास अटैच है तो ऐसे करना है। दोनों की इक्वेशन मैं लिख के दिखा देता हूँ। आपको सिर्फ एनर्जी इक्वेट करनी है और मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी जीरो लेनी है, वहाँ पे मास जाके जस्ट रुक जाएगा और फिर नीचे आएगा। तो इनिशियल एनर्जी है हाफ, काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है, हाफ के ए स्क्वायर, ये आपकी इनिशियल एनर्जी है। और फाइनल एनर्जी केस वन में जहाँ पे मास अटैच नहीं है, फाइनल एनर्जी है एम वन जी ए प्लस एच, क्योंकि यहाँ से ए तो ये है और एच ये है, तो पूरा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो गेन किया एम वन जी ए प्लस एच, प्लस और क्या होगा, स्प्रिंग का एनर्जी जीरो है, काइनेटिक एनर्जी भी जीरो है। स्प्रिंग जीरो है क्योंकि स्प्रिंग फ्री है, वहाँ खुल स्प्रिंग से छूट गया है मास, स्प्रिंग इसके बियॉन्ड एक्सटेंड नहीं होगा, ये है के ई। तो इससे आप एच निकाल सकते हैं इक्वेट करके। सो एम वन जी ए प्लस एच इज इक्वल टू के ए स्क्वायर अपॉन टू, इससे आपका हाइट आ जाएगा केस वन में जहाँ पे स्प्रिंग से टाइट नहीं है। लेकिन अगर स्प्रिंग से टाइट है तो आपका डिफरेंट इक्वेशन बनेगा, फिर आपको लिखना है, फिर आपकी फाइनल एनर्जी होगी। ये तो केस वन हो गया, केस वन का आंसर। केस टू में आपकी फाइनल एनर्जी होगी, स्प्रिंग की एनर्जी भी होगी, बाकी चीज तो सेम है, एम वन जी ए प्लस एच डैश, तो आपका पोटेंशियल एनर्जी राइज हुआ, ये ए है और ये एच डैश है, प्लस स्प्रिंग का एनर्जी ओवर एड होगा, यही बस आपको ध्यान रखना है, के एच डैश स्क्वायर। इन दोनों को आपको इक्वेट करना है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आएगा, उससे आपको एच डैश की वैल्यू आ जाएगी। सो इस तरह से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए।